ये सड़ा ये सड़ा patient, you know, vaginally, if there is no other problem. Just
talking about a recent point, my husband was there throughout in both the births, and how important the role of the father is during birth is something that a prenatal class would actually teach you. So that's the need, number one. Number two is what you just mentioned, there's a choice of epidural in labor. There's no choice of epidural in parenting. So that is where the support system comes to help. Like very rightly said, if our prenatal group is of 100 mothers on WhatsApp, we have around 800 mothers because they are all a community who are helping each other. So it's very, very important. In fact, the importance of prenatal classes when I give lectures is not more about labor. It's more about postpartum, that is breastfeeding, taking care of the child, taking care of the newborn mother. We forget the mother sometimes. And we don't talk about depression and psychosis because that's a taboo. Pediatricians say no for massaging the baby, but we have been massaged by our ancestors. Absolutely, there are so many, like if I list down, there will be I think 100 FAQs. But that is the more important role of a prenatal class to prepare you. You're exercising right till the due date, and then you're suddenly lost postbirth, what to do? I'm a C-section, what to do? I have a vaginal birth, what to do? Prenatal class actually prepares you even for those first three crucial months. I mean, my confinement just got over today. So I know the entire work concern and the pressure that you have in confinement. I'm not sure which culture you belong to. The confinement pressure in India is really tough. ऑस्ट्रेलिया से यहाँ पे लाया है आपने और क्या क्या रिस्पांस मिल रहा है और थोड़ा सा बताइए थोड़ा सा ब्रीफ। यस, सो मैं ऑस्ट्रिया से सीख के आई पिछले साल, तो ये मेरा फर्स्ट एनिवर्सरी है इंडिया में। बहुत सारे टैबूज़ है पोस्टनेटल के बारे में, पर धीरे धीरे बहुत क्लियर हो रहे हैं। एंड ये देख रहे हैं आप रिस्पांस, बहुत सारे मम्मीज़ बच्चों को लेके आए, एंड सच मदर्स आर ऑल्सो एनकरेजिंग, जिनका रीच आउट है, दे आर इन्फ्लुएंसर्स एंड दे नो कि पोस्टनेटल कितना इंपॉर्टेंट होता है। सो ये स्लोली अवेयरनेस बढ़ रहा है एंड वी आर रियली एन्जॉइंग दिस, एंड नाउ वी आर देयर इन 6 सिटीज इन इंडिया एंड होप ये सब तक पहुँचे। इम्पॉर्टेंट है इस तरह की अवेयरनेस फैलाना, स्पेशली जो इन्फ्लुएंसर्स या एक्टर्स हैं, जब बात करते हैं तो लोगों तक पहुंचती है वो बात, इतना इम्पॉर्टेंट है। आई थिंक पोस्ट नेटल फिटनेस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू है, बिकॉज स्पेशली आजकल देर आर सो मेनी वर्किंग मदर्स नाउ डेज, एंड वेन यू आर वर्किंग, वेन यू हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वर्किंग ऑल्सो एंड ऑफ योर बेबी ऑल्सो एंड ऑफ योर हाउस ऑल्सो, यू जस्ट नीड टू बी सो मच इन अ बेटर शेप एंड हेल्थ वाइज। सो आई थिंक पोस्ट नेटल फिटनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है टू बी एबल टू यू नो टेक केयर ऑफ ऑल योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन गुड वे। तो आप जब भी प्रेगनेंसी से गुजर रही थी, बहुत स्पेशल टाइम होता है, तो क्या आपको ये सब मतलब इनिशिएटिव के बारे में पता था, या फिर कंगा ट्रेनिंग के बारे में? मुझे बिल्कुल पता नहीं था प्रेगनेंसी के बारे में, इनफैक्ट मुझे अभी रिसेंटली पता चला, एंड आई विश आई नोन अबाउट दिस अर्लियर, आई वुड हैव डेफिनेटली ट्राइड इट एंड आई विल डेफिनेटली ट्राई इट, यू आर गोना कम होम एंड टीच मी। यस, आई विल डू इट। हाउ इज द रिस्पांस कैसा मिल रहा है? सुपर सुपर। सो मैंने ये इवेंट इसलिए रखा था कि मैं अवेयरनेस स्प्रेड कर सकूं, मेरी एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर सकूं, और ये मैं करना चाहती थी चिल्ड्रंस डे के ड्यूरिंग ड्यूरेशन के वर्क। सो हमने जस्ट अभी 14 नवंबर को सेलिब्रेट किया, इसलिए आई हैव नॉट रिस्ट्रिक्टेड इट टू कि सिर्फ छोटे छोटे बच्चे, आई हैव कॉल्ड एवरीवन, सारे बड़े बच्चों को भी मैंने बुलाया और सारे एक्टिविटीज़ रखी है ताकि सब लोग अपने बच्चों के साथ एन्जॉय कर सके आज का दिन। ये आज का इंपॉर्टेंस था। यस, सो हम अभी फिलहाल बॉम्बे में इटसेल्फ वी आर इन 7 लोकेशंस, उसके अलावा यार बैंगलोर, मैसूर, कोयम्बतूर, तिरुपुर, सूरत, पुणे, सो वी आर इन वेरियस लोकेशन, दिल्ली, कलकत्ता, सून विल बी स्टार्टिंग, सो यस स्लोली स्प्रेडिंग अक्रॉस इंडिया। कितना डिफिकल्ट या चैलेंजिंग होता है जगल करना वर्क एंड? आई थिंक इससे ज़्यादा चैलेंजिंग और कुछ भी नहीं होता है। वंस यू आर अ मदर एंड अ वर्किंग मदर, एंड वंस यू आर अ मदर ट्वाइस ओवर और थ्राइस ओवर प्लस यू आर स्टिल वर्किंग, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, बिकॉज देर आर सो मेनी थिंग्स यार, योर बेबीज, योर किड्स, द रिक्वायरमेंट चेंजेस विद एज, योर वर्क रिक्वायरमेंट चेंजेस विद एज, योर हेल्थ रिक्वायरमेंट चेंजेस विद एज, ऑल दीज फैक्टर्स कम टुगेदर, सो आई थिंक हेल्थ बिकम्स द
the absolutely the most important thing. Shitty idea trending बहुत ही लोग पसंद कर रहे हैं, especially जब आप सारे television actors को एक ही platform पे लेके आती हैं, जो concept होते हैं वो भी पसंद आते हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए कैसे journey start की थी आपने और अब तक की journey कैसे रही? So thank you so much. First of all, Shitty Ideas Trending was born because of Ariza. Because Mohit, my husband and I, we wanted to give a lot of time to Ariza, and daily soaps were not giving us any time with our own lives, so we decided to start Shitty Ideas Trending, and that's it. Abhi hum log asli zindagi se situations dekhte hain, notice karte hain, observe karte hain, and we try to create content around it. Any messages you would like to give to the mothers and working mothers? All mothers, first of all, I just want to say that you all are great. You're doing a great job as mothers, and there is no right or wrong way to bring up your baby. Whatever you're doing is the right way. And secondly, please do take care of your own health. Do things like kanga training, and try to devote some time to yourselves also, because the baby is important, but so are you. Ma'am, any message you would like to give, and what is next after this? Yes, firstly, I want to thank her for coming and gracing the occasion. And yes, the message is, as she also said, ki if aap agar khud ka khayal rakhoge, to apne bachche ko family ka khayal rakh sakoge. So please take care of yourself. You're also important. And the best way to do is devote at least half an hour din mein ya 45 minutes me time. So have that me time for yourself. And ye please apne lijiye kijiye khud ke liye. Thank you, ma'am. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you. ओके जसवी, टुडे आज आप यहाँ आए हैं कांगा फेस्ट में, तो प्लीज़ बताइए कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? कांगा फेस्ट के बारे में मुझे अभी रिसेंटली पता चला था नायरा के जन्म के बाद. यहाँ से मुझे एक नॉलेज ये मिला कि हाँ, कैरी और बेबी, हम यू नो हम ब्रांड्स के पीछे जाते हैं, हमें ऐसा है कि जितना अच्छा ब्रांड होगा उतना कैरियर और बेबी इज़ गुड. बट हमें कभी कभी शोल्डर आपके दर्द होते हैं, कंधे दर्द होते हैं, बैक दर्द होता है, आपका पोस्चर गलत हो जाता है बिकॉज आप पुश करते हो अपने आप को. सो पूजा, मुझे पूजा से इंट्रैक्शन हुआ हमारा इंस्टाग्राम पे, एंड शी टोल्ड मी कि इनकी तरफ से एक बैग है, देयर आर सम प्रोडक्ट, सम ब्रांड जो एक ऐसे बैग ला रहे हैं विच इज़ ऑफकोर्स अ कैरियर बैग, मैं अभी बैग बोल रही हूँ, कैरियर्स जो आपके बैक को सपोर्ट करता है, आपके शोल्डर को सपोर्ट करता है, आपको कट्स नहीं देता. बिकॉज ये मुझे याद है मेरे हस्बैंड ने कहा था कि ये बैग मेरा शोल्डर काट रहा है, वन ऑफ द बैग्स, एंड आई एम लाइक पता नहीं, बिकॉज मुझे नहीं लगा, बिकॉज आई थिंक आपका कॉन्सेंट्रेशन इतना ज़्यादा होता है अपने बेबी को कैरी करने के लिए. और मैंने जितने भी फोटोग्राफ अगर मेरे आप देखो ना, मैंने नायरा को पकड़ा हुआ है सपोर्ट से, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि शायद यस बच्चा कम्फर्टेबल नहीं है, वो बता नहीं सकता. सो आफ्टर पूजा इंटरव्यूज में कैरियर को लेकर मुझे बहुत कम्फर्टेबल महसूस भी हुआ, आई फेल नायरा भी काफ़ी कम्फर्टेबल है, मेरे ट्रिप्स अच्छे हुए, एंड आई वुड लाइक टू से बिकॉज आई गॉट सम गुडीज, और मैं बहुत जल्दी बहुत सारी चीज़ पढ़ के ना ट्राई कर लेती हूँ, बिकॉज नॉलेज बहुत कम लोगों के पास होती है अच्छी देने के लिए, बट काफ़ी लोग काफ़ी चीज़ें रेकमेंड करते हैं. सो आई एम ओपन अबाउट रिकमेंडेशन. मैं ये नहीं बोलती मुझे नहीं चाहिए, बिकॉज जब तक आप उसे ट्राई नहीं करोगे, आप उसे पढ़ोगे नहीं, समझोगे नहीं, आपको समझ में नहीं आएगा. सो आई एम ओपन अबाउट इट, मैंने देखा एंड आई लाइक इट, एंड दैट्स द रीज़न आई सेड पूजा आई एम गोइंग टू बी हियर टू एंजॉय, एंड एवरीथिंग आउट हियर इज गोइंग टू बी अमेजिंग. ऑन प्रोफेशनल फ्रंट, लाइक व्हाट्स नेक्स्ट, व्हाट्स अपकमिंग? जसवीर कौर एंड आई बिलोंग टू टेलीविजन. मैं एक्टिंग करियर से बिलोंग करती हूँ. सो आफ्टर बेबी, यस मैंने एक ब्रेक लिया था, अब नायरा ऑलमोस्ट 1.5 साल के होने वाली है अगले महीने. सो अभी लोगों को ऐसा है कि मैं कब टेलीविजन में वापस आ रही हूँ. मैंने काफ़ी ब्रेक मैंने कितना ब्रेक लेना है वो सोचा नहीं था, और ना ही अभी भी सोचा है. मुझे ये सब है कि जितना नायरा को टाइम चाहिए या जितना फीडिंग टाइम चाहिए मुझे वो उसको देना था, विच आई डिड. एंड अभी ऐसा है कि ओके आई एम वर्किंग आउट एंड थोड़ा शेप कम बैक टू, बिकॉज ये ना टेलीविजन में लोगों का एक माइंड सेट होता है कि आपको ऐसे कपड़ों में देखा है, ऐसी साड़ी में देखा है या बैकलेस में देखा है, तो उस हिसाब से मैं थोड़ी तो मैं आई एम वर्किंग आउट एक बार शेप में आ जाऊँगी. आई वांट टू कम बैक टू द बैग. यस मैं ऐसे कोई भी कैरेक्टर नहीं करती हूँ, मैं हमेशा से कुछ सेलेक्ट करती हूँ, चूज करती हूँ. सो आई वांट टू बी बैक सून. वी लुक फॉरवर्ड टू सी यू अगेन. थैंक यू सो मच.